तो हेलो यूट्यूब, कैसे आप सब, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। है तो आज है सरस्वती पूजा का विसर्जन, और कल का जो पूजा था वो मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं मधुबनी से लेट से ही आया था। तो फाइनली आज जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ का क्या माहौल वगैरह होता है, और आपको भी दिखाएंगे। और ये जो है रोड वो मेरे घर की तरफ से ही आती है, और हर जगह ये केला का पेड़ ही आपको दिखाई देगा। और रात में जो प्रोग्राम हुआ था उसको मैं अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि मधुबनी से आते आते मुझे इतना ज़्यादा थकान हो गया था, और फिर मैं वहाँ पर फुटबॉल मैच देखने गया और वहाँ से पैदल पैदल ही मुझे आना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा ही पैर बहुत दर्द कर रहा था मेरा। तो फाइनली चलिए और दिखाते हैं आपको कि कैसा क्या है। मैं पहुँच ही गया हूँ, इसके पास ही आ गया हूँ। तो फाइनली गाइस पूजा वगैरह को हो गई समाप्ति, अब विसर्जन के लिए हम सब जा रहे हैं। और जितने भी ये मतलब लोगों को देख रहे हैं पहने, वो कमेटी की तरफ से हम लोगों को मिला है, और देखते हैं यहाँ के मूर्ति को कब तक यहाँ से ले जाया जाएगा क्योंकि अब नदी में इसको विसर्जन करवाना है। तो फाइनली अभी लोग सब फोटो खींचने में लगे हुए हैं। उठा भा कि नहीं उठा भा, कैमरामैन आए, कैमरामैन फोटो खींचना हो। कितने ग्रुप मेंबर सब है, सारे के सारे फोटो खिंचवाने के लिए मार कर रहे हैं। अरे हो गया, अरे जोर लगा के उठाओ, आराम से, अरे झुक गया, आराम से ऊपर लग रहा है ऊपर। सरस्वती माता तीन घंटा से लगातार डांस चला है, फिर भी मतलब थोड़ा भी महसूस नहीं हो रहा है थकान का, लेकिन अभी भी वही डांस चलना है लोगों सबको। जो 3 बजे स्टार्ट किए होते डांसिंग, अभी टाइम हो रहा है करीब 5:30, और समझिए कि मतलब इतना देर से डांस चल रहा है पूरा गाँव का, कोई मतलब कोना नहीं है कि जो छूटा है, मतलब पूरा कवर कर लिया है लड़का सब ने घूम घूम के। और अभी फाइनली हम सब जा रहे हैं धार में, मतलब नदी जी से कहते हैं उसमें भसान के लिए, और चलिए आपको दिखा देंगे भसान हम लोगों का कैसा होता है। तो फाइनली दोस्तों हम सब पहुंच गए हैं नदी साइड में, और देखिए नदी का कुछ ऐसे नज़ारा देखने को मिल जाता है। और यहाँ आ रही है सरस्वती माँ की मूर्ति, तो
दो दो मूर्ति लगा हुआ है, मतलब एक और जगह से आया है मूर्ति, तो वो भी यहीं पर रोड है। आज मूर्ति का होगा क्या विसर्जन? करीब टाइम हो रहा है अभी 6 और देखो कितना अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई भी नहीं देता, इतना ज्यादा अंधेरा हो गया है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे कितने वीडियो के साथ, तब तक लिए टाटा बाय बाय। बजबे सुनियो के ना बहाना कर गामो में लगैया।